तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वो होता है जो पानी से बिजली बनाने का काम करती है। आपने एक मूवी देखा होगा शाहरुख खान की स्वदेश मूवी, स्वदेश में मूवी में वो विदेश से आता है और वो नदियों में पानी को रोक कर बिजली बनाने का काम करता है। तो वही सेम प्रोसेस है यहाँ। अगर वो मूवी नहीं देखी तो आप ये देख लीजिए, काफी ज्यादा इजी है, समझ में आ जाएगा। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से जो भी क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहले ये लगाया कहाँ जा सकता है, ये रनिंग वाटर में लगाया जा सकता है जहाँ वर्षा ज्यादा हो, बारिश ज्यादा हो, या तो नदियाँ ज्यादा हो या नदियाँ हो, प्लस उसके बर्फ के पहाड़ हो, ताकि पिघलते हुए पानी को हम लोग रोक के उसको बनाया जा सकता है। तो हम लोग इसी चीज में लगा सकते हैं। तो हम लोग लगाने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, पानी को पहले रोकने के लिए, तो उसके लिए हम लोग को क्या बनाना पड़ता है, रिजर्वायर बनाना पड़ता है। उसके लिए रोकने के लिए हम लोग को एक डैम बनाना पड़ता है, डैम में वो ताकि आके पानी रुके। उसके बाद इंटेक से करके आपको पेनस्टॉक बनाना पड़ता है। पेनस्टॉक एक पाइप नली होती है जो काफी मजबूत होती है, उससे हम लोग को स्पीड, पानी की स्पीड हम लोग डिसाइड करते हैं उससे, और वो पानी इस पे गिरना चाहिए। किस पे गिरना चाहिए, टर्बाइन पे गिरने के लिए ये पंखा होता है हमारा, टर्बाइन इस पे वो पानी गिरता है, जिस वजह से वो जनरेटर चलाता है, जनरेटर को चलाता है। जनरेटर क्या करता है, पावर हाउस में स्टोर करता है, और उस चीज को, जनरेटर को यूज करके आप क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस लाइन पे पावर लाइन होता है जिससे वो रखा जाता है। तो इस चीज को बोलते हैं पूरा पावर हाउस, जो आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है तो इसको बोलते हैं पावर हाउस। और उसको हम लोग स्टोरेज किया जाता है, लॉन्ग डिस्टेंस को उसको इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज किया जाता है। स्टोर करने के बाद वो अलग अलग जगहों पर छोड़ी जाती है। तो यही चीज होता है पूरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आपने समझ गया कि कैसे काम करता है, और उस पानी को, मतलब जो पानी आप सोच रहे कि वो पानी आप जब टर्बाइन पे गिर गया तो टर्बाइन पे वो पानी वेस्टेज हो गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो टर्बाइन पे गिरने के बाद वो पीने लायक ही रहता है, उसको कुछ केमिकल मिक्स नहीं किया जाता जिसके वजह से वो पानी कभी खराब ही नहीं होता। तो आगे आराम से जाके वो यूज कर सकते हो, पानी कभी खराब नहीं होता। यहाँ से सिर्फ स्पीड से जाके उसको गिरना है, और वो गिरने के बाद पंखा घूमता है, और घूमने के बाद वो पानी वापस चला जाता है। तो अभी क्वेश्चन आ सकता है आपको कि दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ है। तो दुनिया का सबसे बड़ा कहाँ है, चाइना में। चाइना पे यंग रिवर करके है, वहाँ इंस्टॉलेशन किया गया है, जिसकी कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी भी कभी पूछ दे सकता है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है। तो उसकी कैपेसिटी है 22,500 मेगावाट की कैपेसिटी है। तो उसको याद रखना है आपको क्या है, यंग रिवर, जिसपे ये बना हुआ है दुनिया का सबसे बड़ा। तो अभी दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, चलो आपने चाइना दुनिया का बता दिया, लेकिन इंडिया का सबसे पुराना कौन सा है। तो इंडिया का सबसे पुराना है दार्जिलिंग में। कहा है, दार्जिलिंग में, जो वेस्ट बंगाल में। वो बना कब था, 1897 में, और उसकी इंस्टॉलेशन कैपेसिटी कितनी है, 130 किलोवाट की, इतना वो बिजली बना सकता है। तो आपका हो गया कि एक तो दुनिया का सबसे बड़ा वो चाइना में है, यंग झील पे, रिवर पे बना हुआ है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, 22,500। दूसरा हो गया, इंडिया का सबसे पुराना कहाँ है, भारत का सबसे पुराना कहाँ है, तो वो है दार्जिलिंग में, जो कि वेस्ट बंगाल में। उसको कब बनाया गया था, 1897 में, और उसकी कैपेसिटी कितनी है, 130 मेगावाट की। तो ये दोनों क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट है, आ सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से देखिए और समझ लीजिए कि एक्चुअली में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट काम कैसे करते हैं और क्या है उसकी इम्पोर्टेंस। तो थैंक यू सो मच।